नमस्कार। बिग बॉस ने पिछले कुछ सीजन से शुरू किया है बेरोजगार योजना। इस योजना के तहत हर सीजन में कोई एक बेरोजगार आएगा जो पूरे सीजन में बैठ करके खाएगा, जिसके लिए बिग बॉस इतना ज्यादा बायस्ड हो जाएगा जो कि कभी भी नॉमिनेशन में नहीं आएगा। अगर नॉमिनेशन में आ गया तो एलिमिनेशन टल जाएगा। वेल, इतने सीजन में तो आप देख ही चुके हैं कि क्या हो रहा था। पिछले कुछ सीजन से बिग बॉस ने बहुत ही महान काम करना स्टार्ट किया है। कुछ ऐसे लोगों को लेकर के आए जिनके पास काम नहीं था, बिग बॉस उनको काम देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा साजिद खान आते हैं, जिन्होंने शो में इतना ज़्यादा योगदान दिया जिसके लिए उनको एलिमिनेट करके नहीं निकाला गया, बाकायदा उनके लिए फेयरवेल हुआ। उसके बाद आई पूजा भट्ट, जिन्होंने पूरा सीजन च्युइंगम चबाते चबाते निकाला और काफी ज्यादा लोगों को डोमिनेट कर डाला। अब पेश है मुझको राणा जी, माफ करना गलती मारे से हो गई। गुपचुप 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 गाना सुना है, आया समझ में? ममता कुलकर्णी, जी हाँ, बिग बॉस 17 में पेश है ममता कुलकर्णी। इनका नाम जुड़ चुका है 19 की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का बिग बॉस 17 के लिए। क्या होगा इस बार, क्या आपको पता है बिग बॉस क्या करेंगे? वेल, कैसी लगी आपको ये खबर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, लाइक करो।